हफ्ते से आप लोग इस काम के लिए कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ी दार्शनिक की व्याख्या करूँ, सैद्धांतिक बात बता दूँ, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं उससे कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं हो रहा। धर्म प्रधान देश है, कोई ना कोई अपना इष्ट की आराधना करता है, कलयुग है, रात्रि का पहर है, रात में आदमी चांद और तारों से प्रकाश लेते हैं, इसलिए आज चांद और तारों वालों का एक बहुमत है, वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। चांद इस्लाम तारा में राज्य तो इस है, और जब सूर्योदय होता है अभी तो हमें कारण था क्या जरूरत महसूस होती है। इसी तरह से ये देश ये धर्म उठ रहा है और ये प्रकाश जो इस सूर्य नगरी से फैला है ये पूरे विश्व को समर्पित कर दे। मैं आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं और गोबर जिम्मेदारी हम निभाता हूँ, पहले रेल में नौकरी करता था, हेडक्लब था, 11-4 पक्षों से 30-6 नौकरी की, तो प्रारंभ कर्म उस मेरे को बीमारी आ गई, हो गया हो गया हो गया अकाल मृत्यु से भय लगना तो कारण नहीं। तो मेरे कई मित्र थे दूर, उनसे मिला श्री राम लोग उनका नाम था, वो अच्छे ज्योतिष थे, उन्होंने मेरे कहा आपको फोबिया हो गया, फोबिया मैंने कहा क्या होता फोबिया, तब उन्होंने बताया कि मौत है इससे बच नहीं सकता। तब फिर मैंने कहा जाने दो, कहने लगे हमारे दर्शन में इससे बचने का उपाय है, मैंने क्या है, कहने लगे जी महा मृत्यु क्या करते हो, वो बहुत अजीब तरह का करोड़ करोड़ था, मेरे से होना संभव नहीं था तो मैंने इनकार कर दिया। दुबे जी श्री राम दुबे थे तो डॉक्टर बेचारे, तो कहने लगे गायत्री मंत्र से भी उसमें जब लो, जब मैंने शुरू किया तब मुझे नहीं मालूम था गायत्री मंत्र क्या होता है, अब तो समझता हूँ। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है, समता देव का, तो समता देव का प्रभाव सूर्य को, सूर्य को भी समता देव कहते हैं, वो अंदर से प्रकाशित करता है। 4 लाख पूरे जब की आहुति दी, 2-3 के लोग ही जलाया, अब मैं समझता हूँ 1.25 लाख का कोई नहीं, 10 लाख कर लो कंसंट्रेशन डाल लेना, एक तरफ 3 पांचवों की तस्वीर और दूसरी तरफ मौत खड़ी है, और निरंतर प्रार्थना की इससे बता ले, उस कंसंट्रेशन में मुझे चेंज कर दिया। तो आज तो उठाना नहीं है तो आम तो आम तो खुद 68 में शुरू किया था मैंने, 1 जनवरी को सिद्धि हो गई, आज बंद किया जाता था तो ये बोले जीवन फॉरन ट्रांसफॉर्म हो गई, ना हार्ट दिखे ना लंग्स दिखे ना ब्लड सर्कुलर ना सर्कुलेशन ना किडनी को दिखे नहीं, उसको मैं वहां डिटरमिन में प्रोफेशनल मिल रखता, फिर यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ डालक पे कुछ जगह फिर रिटर्न मंडल अस्तित्व जगह रेल होता है। मैंने कहा वो हार्ट कहाँ गया, कल्ली कहाँ गई, और फिर तक वहां से अंदर प्रकाश कैसा है इस आदमी ने दिखा, फिर कुछ बड़े किसी गुंजन की आवाज सुनाई दी, तो आवाज का पंचम डे ताला बड़ा होता है ना वो कैसा, तो वो नाभिन से जपा दे रहा है गायत्री मंत्र, मैंने कंडीशन जपा वो नाभिन जपा जा रहा है, फिर आंख बंद करके कोशिश की कुछ नहीं देखा, अच्छा तो भ्रम है,
मेरे मित्र गायत्री के उपासक थे, उनको पता लगा, समझे, वो मेरे पास आया। फिर शहर के कई पुष्कर समाज के लोग आए कि आप कहते हैं तांत्रिक प्रयोग करो तो आपको खूब लाखों रुपए देंगे और हमारा भी साथ कल्याण हो जाएगा। कैलकुलेशन में कमरे का पैसा तो दो तीन बैठक आए, मुद्रा जो परिवर्तन आ गया, दूध नहीं बोल सकता, किसी के साथ खा नहीं सकता, पहले मैं सिगरेट पीता रहा तो सिगरेट को पीने से ऐसे आलू कर दी पागल रहा। परिवर्तन आया था तो वैसे बाबा तो गड़बड़ हो गया। फिर मैंने कहा पंडित जी मेरे लिखा हुआ नहीं है धन, आप वो छोड़ लो, तो आगर कर होकर के सर्टिफिकेट दे 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 दे, ये जात है इसकी अकल में नहीं आएगा, चले हुए पैसे में काम नहीं चलता, तो मेरे को आज तक चला है। मेरे गुरु ने कभी नहीं मांगा, मैं भी नहीं मांगता हूँ। हाँ शिष्य हजार रुपया दो रुपया दीक्षित शिष्य बैठ लेता हूँ, दान नहीं देता हूँ, वो दे देता हूँ चले। ये हमारे धर्म में सिद्धांत है कि प्रत्येक दीक्षा लेकर के और दक्षिणा या बैठ गुरु को देना चाहिए। ये हमारे दर्शन है, राम और कृष्ण ने दूंगी तो उसके अलावा मेरा कोई मतलब नहीं। तो ये एक ऐसी सिद्धि होगी निर्गुण निराकार की सिद्धि। मंत्र से इतनी ताकत है तो कृष्ण स्वामी विवेकानंद आ गए, उन्होंने कहा कि गुरु को मेरा काम नहीं चलेगा तो गुरु बना लिया गंगा जी जाम शर्म थे। ये जाने से पहले कह रहे बेटा आगे काम तेरे को कह माँ है तो 7 साल पहले प्रेम में कभी रिटायरमेंट लिया, नौकरी अभी बाकी थी 7 साल की और तब से इनके नौकरी कर रहा हूँ गंगा नाथी की, उसमें तो रिटायरमेंट था, ये रिटायरमेंट नहीं देंगे, जितने जिंदा रहूंगा इनकी हाजिरी बजाने पड़ेगी। तो इस प्रकार ही निर्गुण निराकार का फिर स्वामी विवेकानंद ने आ गए तो फिर कृष्ण की सिद्धि होगी। ये दोनों सिद्धियां एक साथ कभी नहीं हुआ हमारे देश में, सगुण साकार की हुई है, गायत्री की हुई हुई है निर्गुण निराकार की, और दोनों सिद्धियां हुई है तो वो मुक्ति पाए। तो हमारे दर्शन में जो योग योग चलाया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है नहीं। पातन भी योग दर्शन उठाओ उसमें 195 सूत्र है, उसमें ऋषि ने स्पष्ट कहा है, दूसरे सूत्र है चित्त की वृत्तियों का विरोधी योग है। ये जो भग रहा है ये जब तक मन भगता नहीं रहेगा तब तक ना ध्यान ही नहीं होगा, और तुम इसे गुरु सूत्र तक समझ पाता स्पष्ट कहा है कि हरिनाम के जब के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होगा। तो आजकल नाम तक जो बातें नहीं बस केवल ध्यान योग करवाते, ये योग है शक्ति बात, जैसे शक्ति बात होती है मंत्र में शक्ति है, और अगर गुरु अपने गुरु का आदेश लेके चला है तो मामला पार पड़ेगा। आज जितने भी गुरु है तो नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मगर उनके गुरु नहीं। बॉम्बे में कई गुरुदाता जी से देने के लिए आगे बैठते हैं, उससे 50,000 रुपये लिए, अगर वैसे ही शक्ति काम में आती है तो अमेरिका के पास होती है, राम का नाम नहीं पता होता। किन नौकरी में चला था, इसका मैं इंग्लैंड गया था, वहां भी यही चला रहे हैं वो, कहता है साइंस इज गॉड, मैंने उनको गलत बोल रहा हूँ, गॉड इज साइंस बोलो, भगवान ने मनुष्य को पैदा किया साइंस को बाद में आएगी, और मैंने कहा तुम्हारा भगवान एचआईवी पॉजिटिव एक ही प्रकृति का, तो मैंने तो हजारों कर दिए, मेरे पास लिस्ट पड़ी है।
मैंने ऐसा उदूदा कर दिया है, स्वामी दादी में भेजी और पूरी लिस्ट। और लोगों को भेजूंगा मैं, बड़े बड़े रेल मंत्री मुलायम सिंह यादव इनको भेज दिए। और दो केस जो ठीक हुए वो तो जोधपुर के मदरादास माथुर हॉस्पिटल में, एक तो गौरलाल जिसकी फोटो आपने अंदर गए थे, वो आगे मदरादास हॉस्पिटल में जाता है सुबह के टाइम में दो तीन घंटा, और जितने भी उसको मिलते हैं कहता है ले जाओ ऑटो से आगे चले जाओ थोड़ा, तो उसको बदली को गौर को जब लाया तो शक्ति थी कि मैं सुन रहा था, समझ रहा था, हिल भी नहीं सकता था, आंखें नहीं खुल सकती थी। और तब से नाम जब शुरू कर दिया, दो साल बाद आया मेरे पास, मैं यार कारण की तरह लड़न तैयारी कर रहा था, वो आया कर रहा था कोई भी तो मैं ठीक होगी, मैंने क्या थी ना, मैंने कहा भूख कैसी लगती है, कहने लगे दो बाजरे का होगा अब भी खाता हूँ दो पैर दो सह लूंगा। और अब उसका वजन 90 केजी है, जब एस डिग्री हुआ पेशेंट था मतलब दास माथुर हॉस्पिटल में डॉक्टर अरविंद माथुर इलाज कर रहा था, तो मेरा चेला आप बैठे हुए थे अरविंद नदी चलिए गांधी मैदान में, दूसरा बदल मेरी तस्वीर से ठीक हो गया। लोगों ने कहा अरविंद को तो आप लोग क्यों बोलते हो, उसने कहा जी मैं कैसे करूँ, सारे डॉक्टर बोलना तो बोलूंगा। तो उसने मुझे मैसेज किया अरविंद ने, गुरु जी आप बाहर घटने बढ़ने की बात मत करो, एचआईवी वायरल लोग टेस्ट करवा लो। मैं तो नहीं जानता वायरल लोग क्या होता है, एचआईवी क्या होता है, सभी फोर सीरियस क्या होता है, ये डॉक्टर ही गाइड कर रहे हैं मुझे, मन टेस्ट करोगे हो गई और सोपस बढ़ गया, बबरी देने लग गया, तो डॉक्टर ने कहा वार्ड खाली करवाया था, गंगाराम के नाम के मजे से हो गए बबरी मिलने, उसके मित्र तो कर लगे गंगाराम जी, अब डॉक्टर कहते हैं 15-20 दिन का मामला है, उन्होंने कहा गुरु जी फोटो से ध्यान लगता है, मैं लगता हूँ मेरी फोटो हॉस्पिटल में थी मदरादास माथुर हॉस्पिटल में, और उसको लोग होने लग गया सुते सुते हॉस्पिटल में, 5 घंटे की वजन बढ़ गया, और मैं उनको अन लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, डॉक्टर ने पूछा बदली छुट्टी देते ध्यान दे दो ऐसा मिलता है ना जो यहां से प्रकट हो रहा है। अब मैं किन्न में गया अमेरिका, अब नहीं जाऊंगा, बीमार होता है वो जाता ना डॉक्टर के पास, मैं क्यों जाऊंगा, यही आएंगे इसी मैदान में आप देखो लाखों की संख्या में आएंगे, राज्य सत्ता वाले समझते नहीं, अभी तो मंत्र सीक्रेट रखने की बात कही है, अभी मत बता। 30 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा आदमी इकट्ठे कर बोला मैं लाइव टेलीकास्ट करूंगा, वो यहीं से सीधा लाइव टेलीकास्ट होगा, उधर स्टेज होगा, उसके बाद में दुनिया को बताऊ, इस प्रकार जब सारा भी सुनेगा इसको तो जिसको समर्थ होकर आएगा। अच्छा इसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है, बॉम्बे में तो सैकड़ों मुसलमान मेरे शिष्य है, और आजकल एक औरत का भाई बीमार था, उसकी माँ बेटी आई तो कैसे हॉस्पिटल में भर्ती था, डॉक्टर कहते हैं अब नहीं बचेगा, तो मैंने लोन ले दे दिए, तस्वीर दे दी, जो कुछ बाद वो आ गया,
उससे लोग फोन करते हैं, मुस्लिम है ना, कहते हैं इंशाल्लाह मेरा वाइफ ठीक हो गया, अब वो गांव गया मिलने के लिए। उसका मतलब इसमें किसी जाति विशेष का ये ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है, मनुष्य शरीर में होने वाला परिवर्तन है। मनुष्य अभी मैंने कहा इसे मैंने जो ट्रांजिशनल विंग इन फाइनल मटेरियल दी, मतलब मनुष्य निरंतर विकसित होने वाला प्राणी है, ये अभी आधा अधूरा है, ये पूर्णता प्राप्त करे। तो जो ये दर्शन है अरविंद का, उसी को मैंने आगे बढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में कहीं स्पीच दे रहे थे, तो गुरु किताब ज्ञान का हो तो पूरा हो गया, अब आज क्या बोलेंगे। लोग बेचारे और फैन चढ़ गए, फिर उसमें बोलने लग गए, पहले ज्यादा देर तक स्पीच दिया, नीचे उतरे तो कहने लगे आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा बजी। तो भाई मैं तो माए को गंगा राज्य महाराज का यही बोल रहे हैं, समझे नहीं समझे, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं तो माए को माए, ये मेरा माए थे मैं इनका माए। तो उस प्रकार ये दोनों सिद्धियां होगी। ऐसे अभिनंदन का एक्सपीरियंस का उतार दो मंत्र करें, पहला मंत्र 1906 नाटक का द्वार बार बार वंदे मंत्र, और दूसरे मंत्र को उन्होंने बताया वो माइस्ट्रिक है, सीक्रेट है, वो संजीवनी मंत्र है। पर सुबह संजीवनी के बाद समझाने की दिक्कत आएगी, लक्ष्मण गए तो गया तीन लगा, हनुमान जी आए संजीवनी मंत्र देखते हुए उसमें आ गया, समझे समझे। तो मैं जो दे रहा हूँ वो मतलब राधा और कृष्ण का मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। आप चाहे कोई किसी रोग के रोगी हो, हेपेटाइटिस बी, ब्लड कैंसर, ट्यूमर वाला कैंसर, वो सुन लो तो उससे नहीं करोगे, चाहे डॉक्टर ने कह दिया। आज तक हजारों एड्स और कैंसर के लोग क्यों हो गए, अब एड्स की तरह रिपोर्ट है लेने मन में रुपये पड़े भाई का तस्वीर है, उनकी आइडेंटिफायर है। तो एक ऐसा परिवर्तन मुस्लिम में आ गया, हिंदू सेंटर में आ गया, मैं यही नहीं बनना चाहता था, एक गुप्ता कृष्ण पैदा हो गया, मैं छोटे छोटे लड़का अभी दुख रहता और जब मेरे से ज्यादा उम्र के पैरों के हाथ लगाने लगे, उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ पहले लगे बुढ़े आपकी तरफ क्यों झुकते हैं, छोटे बच्चे हो तो बात नहीं, मैंने कहा मेरे में रूपा सुना के बया एक चुंबक पर टुकड़ा पड़ा था, पिनों को पकड़ कर रख दिया तो दुख छट कर दिया, मैंने उसको पकड़ा बना, ये तो गुरुत्वाकर्षण है, मैंने फिर सूत्र वाले में कहने को रखा आदमी, और मैंने कहा बेटा रावण कौन से दुर्योधन जानते थे क्या है, मगर वो झुके नहीं, वो झुके का वही पाए का भाई, मेरे में गुरुत्वाकर्षण आ गया गुरु के आशीर्वाद से। गुरुपक्षण ही लोगों को कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने ईशा कृष्ण की तस्वीर में क्या रखा है, तो उन्होंने ईशा की तस्वीर को तोड़कर पैर दबा कर फोड़ दिया, ईशा ही नाराज हो गए, क्या लगा इसमें ईशा बैठा है क्या, था उसने वहां जाकर थे तो उनकी तारीफ नहीं। अब योगानंद जी को हमें कोई गए उसने हम कोई गया नहीं, और तब से पूरे रहे हैं। यहाँ एक भुवनेश्वर सिंह नाम का ट्रीटी है रेल में, 1997 में उसकी लड़की 6-7 साल की, वो गर्म इंसिडेंट फिर ऊपर उठ गई,
उसका इंटरव्यू भी आया है अखबार में। अब वो आरएसएस और न्यूज़ में तो वो गुरुत्वाकर्षण कहाँ गया ना भाई, सबका वोट हो गया तो बाद में ये फिजिकल वोट ही बाहर हिंद क्यों हो गई, तो साइंस के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी मैंने। अभी आपने देखा तो मैं वहां पर गया ना एक लोग इंडिया का, तो उसके दिन से स्पार्क हुआ समझे। अब आपने कुंडलन ने हमने नाम नहीं दिया कुंडलन ने, आप उसको राधा सीता पार्वती अम्बा के नाम से पूछते हो नवरात्रि में, हमने उसको नाम दे दिया कुंडलन। वो सारी टीम आते बजा करके अपने दिन को घूम दबा करके अचेतन अवस्था में रहते हैं, डॉर्मेंट पोजीशन में रहते हैं। उसको छेड़छाड़ करता है तो पागल हो जाता है या आगे हो जाता है, और जिसको गुरु ने आदेश दिया हुआ है जो गुरु को तो देखे गया हुआ है उस आदमी का आदेश से वो जागृत हो जाती। मैं तो आपको मंत्र दूंगा उससे कान कुंडलिनी में जागृत हो जाएगी, अब भी हो जाएगी। बहुत गुरु कहते हैं मैं नाम नहीं बताता, साल आप करो तो कुंडलिनी जागृत हो जाए। मैं कहता हूँ दो चलो दोनों रहेंगे एक महीने में दो साल, अभी तो नहीं रहते हैं और अभी हो गया। तो इसलिए जब आप नाम जब शुरू करेंगे तो वही कुंडलिनी जागृत होगी, वो आपका शरीर प्राण मन और अपने वश में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। काम नहीं कर रहा उसी का योग होगा, और कोई रोग नहीं है फिजिकली फिट हो तो मूवमेंट नहीं होगा तो कुंडलिनी ऊपर उठती हुई यहाँ पर। तो हमारे ऋषियों ने शरीर के मतलब मकर पुर से दो भाग के, एक तो वहां से नीचे नीचे नौ द्वार है, आंख कान नाक वगैरह वगैरह, ये बाहर की तरफ उठते हैं एडमिट है, और तीसरी आंख जो है ये अंदर की तरफ होती है। जब तक ये जागृत नहीं होगी ये आंख अंदर नहीं खुलेगी, आप पूरा रहस्य नहीं जान पाओगे। आदमी के जीवन का रहस्य मृत्यु में है, जन्म में नहीं है। मैंने एक किताब लिखी है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, उसमें एक बात ये कुछ कि हमारा योग दर्शन जो है अनलिमिटेड पास्ट को देखने की बात करता है। आपको फ्यूचर से मतलब नहीं, आपको पास्ट से मतलब है, ऐसा कब जन्मा और अंत तक कहां रहा ये आपको ध्यान की स्थिति में दिखाई दे जाए, सुनाई दे जाए। अब परेशान इस बात से है कि अभी हिंदू है ईसाई यहूदी मुस्लिम, तो कहते हैं हमारे दर्शन फिर फेल है। बाद में कल उनको इसको समझना पड़ेगा। एक इसमें आपको खेचरी वगैरह मिल गई, खेचरी तो योग होगा उससे शारीरिक रोग खत्म और नाम को नशा आ जाएगा। उनका भाग गतिमा नाम का उतर जाए करो भाग पहले बोलते नाम दिन नाम कुमार नाम का तभी रहे दिन रात। एक और कविता से कहिए नाम अमल उतरे न भाई और अमल चंचल के उतरे नाम अमल दिन भरे छोया, तो जो नाम मैं बताऊंगा उसको जपो कर आपको अभी शुरू हो जाएगी इंटॉक्सिकेशन में का उठा। कितने गुरु कहते हैं पान मत पियो शराब मत पियो और जो को मानते हैं
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से निकाल दे, मेरे को मानना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं छोड़ो मत, आज से ही मगर नाम को मत छोड़ो। नाम और रसा शासन करता रहे, लाखों का छूट गया, अपने में थोड़ा टाइम लगता, अपने में थोड़ा टाइम लगता। में गांव है किनारा किनारा, और रविंद्र सैनी किस कारण से इंजेक्शन लगाने लगे हिरोइन के, तो फिर अपना लगाना कारा होगा बिल्कुल कोई लिखता है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लेके उसको छोड़ा होगा तो दो दिन मर जाएगा, नहीं तो दो साल में फिर मरेगा ही मरेगा। जो कैसे इंजेक्शन खाता है उसको अथा नहीं पहले अखबार में देता था शांता देव संदेश, उसमें उसका इंटरव्यू था, यहाँ मैं अमेरिका में वालों को दिखाया, उन्होंने बोलते हैं तो अजीब अजीब बात है। मैं कहता हूँ देखो किराड़ा में ट्रैक्टर चला रहा और हीरोइन फिल्म सब टूटते हैं, अमेरिका कहता है बोली है हमको बड़ों का कोई चिंता नहीं है हीरोइन मारे की, अफगानिस्तान में जितना हीरोइन बनता है वो डायरेक्ट इंडिया अमेरिका जाता। तो ये ऐसा हमारे विद्या में इसे सभी समस्याओं का अंत होता है। अब उन्होंने उठने लगे तो उठे जैसे तो पांच प्रकार के वायु होते हैं हमारे योग में, प्राण अपान समान उदान और ज्ञान। प्राणायाम जो है स्वामी वो रामलोक जी करवाते हैं, कपाल बाजू कपाल बाजू पता नहीं क्या करो, हमारे यहाँ अपना वो है प्राणायाम। पहले पहले तो अनुलोम विलोम बंद तीनों में लेते हैं, अब अपने में नीचे नहीं जाएगा तो फिर वो ऊपर नहीं लगेगा। मेरे को रूप से सुषुम्ना के रीत कहते कैसे ऐसा ही वही नाभि से ऊपर उठेगा और दूसरा बंदे लग जाएगा इस होता क्या पूरे अंदर जो ऊपर उठेगा ये गड्ढा इससे ऊपर उठेगा तो तीसरा बंदे लग जाएगा जालंधर। अब बाकी सारी क्रिया संभव नहीं है तो प्राणायाम होगा और अभी होगा और सर्व प्रकार का होगा। आप नहीं कर लो जो कुछ होगा होता है वैसे भी होगा और अभी होगा, यहां से जो ऊपर चले गए तो समय लग जाएगा। ऊपर एक फिल्टर लगाते हैं ना यहां समय से तो आनंद तक तो एक हमारे यहां ऋषि हुए यागवक आनंद तक तो गए चित्त और संत को कोई नहीं आज तक किसी ने चेतन नहीं किया, आगे रुद्र की कृपा से चेतन होना शुरू हो गया। तो ज्ञान की स्थिति में आप अनलिमिटेड फास्ट फ्यूचर देखोगे सुनो, आपके साइंस कहते हैं जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है कभी खत्म नहीं होता, अगर प्रॉपर मशीन हो तो उसे सुना जा सकता है। हमारा योग है कि योग कहते हैं कि ब्रह्मांड में शब्द है तो बोलने वाला तो रहा होगा ना, उसको बोलते हुए देखकर सुना जा सकता। मेरे तो लाखों से शुरू मिलता है पांच बोला फ्यूचर में मिलता है, जो घटना नहीं बचे जो सब बोला नहीं गया वो पहले सुना दे रहे। तो साइंस इससे बड़ी परेशान है, अब उस तरह से आपको ज्ञान में अपने कई परिचितों में मौत होगी, बल्कि परिचित नहीं हमारे तो क्या पता कौन है, परिचितों को स्त्री पुरुष लड़के लड़के की मौत देखी आया उनको मना करेगा ना। और जब आपने देखा कि मर रहा वो मर रहा फिर मर रहा दो तीन मर कोई बात नहीं दस बीस मर गए तो सोचना पड़ेगा कि ये मर रहे हैं तू कौन ना मर रहेगा, तो दिख जाएगा कैसे मर सब जानते हैं मरना पड़ेगा बदले को पाने फिर क्यों डरता हूं। माया ने मुक्ता सा डराना बना दिया
तो उसे स्वीकार नहीं कर रहा, मैं वो किसी छोड़ दी, इस नाम लगो ध्यान से माया का आरोप से न जाएगा। एक ऋषि ने कहा चामर में से जंगल है मोरे मन आनंद, कबीर ने कहा चामर में से जंगल है मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमान। तो ये ग्रहण मतलब जल विच कुंभ कुंभ जल है बाहर भी तरफाने तो मतलब उतरा बक्के में तो पानी का बराबर पानी का अंदर रख दो, अगर जल विच कुंभ कुंभ जल है बाहर भी तरफाने ये बेटा तुम जल का नहीं सकाना फूल जाए जगह बढ़ जाए तो बाहर वाले पानी में अंदर वाले पानी में अरे का अंदर क्या हो तो भाई जो राजे बैठे हो ना इसको तो फूटना ही पड़ेगा, नहीं बनना बनने के जो नकाते है तो फिर नाम दो। गुरु देवता का कुछ नहीं है देखिए, एक क्रिया तो मुझे रोक दे, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं तो आपको अपने आप से एंट्री करा दूंगा साक्षात्कार, आप क्या हो आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, तो न मरती है न जन्मती है, साक्षात्कार का नाम हिंदू धर्म है। तो निवेदन लेता है तो जिसमें मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार ना और उसको धर्म ही नहीं कह सकता। तो हमारे विवाद से पैस परेशान है मगर हम रिजल्ट दे रहे क्रियात्मक, तो एक दो तारीख को गुरु पूर्णिमा यही होगी और मंगल है तीन को बुद्ध चार को कृष्ण, चार को दिशा होगी चार सात ग्यारह अठारह अठारह या तीन तारीखों को कृष्ण पड़ेगा, उसमें मैं लाइव लिख सकूंगा विशेष से तीस तीस जुलाई को अभी गए हैं बॉम्बे लड़के तो किस से करवाएंगे देखो, उसके बाद में चलेगा और विश्व स्तर के लोग सुनेंगे तो समर्थ होगा वो यहाँ आएगा, अपने देश के करेंसी में आएगा ना, तो जैसे करोड़ों लोग आएंगे यहाँ तो भारतीय बैंक जो है उन करेंसी से भर जाएंगे, फिर सरकार मदद देने से कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष है और कहा कि एड्स की रोकथाम हो जाए नहीं हो तो देश जो है विकास रुक जाएगा, रोकथाम की बात नहीं खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री है दिल्ली की उससे मेरी किसी मदद है, तो कहना मैडम कहा बेटा तुम प्रचार करो भारत सरकार आपको रोक नहीं सकते, क्यों भी आप पैसा नहीं लेते हो तो मेरा उद्देश्य है ये दर्शन विश्व दर्शन हो गए आगे कहते हैं वह सुबह कुटुम कम की बात है और कोई नहीं कहता। अच्छा ये मुद्रा लगते उसको मारा मुद्रा कहते खींचरी मुद्रा खींच जी होता है दर्शन मंडल में बूंदा हुआ अमृत का वासा शुक्रवा में भगवत के लिए निकला जाए गया था, उस अमृत का है नेचर का है, अगर वो अमृत है तो अगर वो दुआ में बह गए शरीर ये बांटा लिए बैठे हो ना ये दुआ में ये आधे जन्म होगा
अब मंत्र की बात कर दू मन मंत्री मार से तब क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन।